रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। ब्रेकिंग न्यूज, अगले 48 घंटे में इन तीन राज्यों में आएगा सबसे बड़ा तूफान। जल्दी पढ़ें आज के इस अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गर्मी का मौसम आ गया है। इस समय मौसम हमेशा खराब ही रहता है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अगले 48 घंटे में तूफान आने के संकेत मिले हैं। आपको बता दें कि उत्तर भारत के कई इलाकों में बुधवार को आए रेतीले तूफान ने भारी तबाही मचाई है। आशंका जताई जा रही है कि आने वाले 48 घंटे में तूफान दोबारा लौट सकता है। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने जानकारी दी है कि क्षेत्र में बने चक्रवाती परिसंचार तंत्र से आगामी 48 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में फिर से धूल भरी आंधी आने का पूर्वानुमान है। जयपुर के भारतीय मौसम विभाग के वैज्ञानिक हिमांशु शर्मा ने भी बताया है कि राजस्थान में आगामी 48 घंटों के दौरान उच्च क्षमता की तेज हवाओं के चलने से धूल भरा अंधड़ आने की आशंका है, जबकि बुधवार को 132 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए इस तूफान में 8 राज्यों में अब तक कम से कम 114 लोगों की मौत हो गई है। इस तूफान के आने की सूचना मौसम विभाग द्वारा पहले ही दे दी गई थी। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा तबाही उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हुई है। इस तूफान से उत्तर प्रदेश में अब तक 73 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं राजस्थान में करीब 36 लोगों की मौत हो चुकी है। इस जानलेवा तूफान से यूपी में 83 लोगों के घायल होने की खबर है, वहीं 105 जानवरों के मरने की खबर है। यही नहीं, राजस्थान में 205 लोग घायल हुए हैं। लाइक और फॉलो बटन दबाकर कमेंट बॉक्स में बताइए कि पिछले दिन आए तूफान की वजह से आपका क्षेत्र कितना प्रभावित हुआ। कमेंट करें।